हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे पास ओप्पो A37 का सेट आया है और दोस्तों ये चार्जिंग के प्रॉब्लम में हमारे पास आया बनने के लिए। और बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने चार्जिंग को सही कर दिया हूँ और चार्ज भी हो रहा है। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम था वो चार्जिंग का जो पत्ता है दोस्तों पूरा कट गया है, वहाँ पर चार्जिंग लगाने का कोई ऑप्शन नहीं था। इसको मैंने चार्जिंग अलग से सेट कर दिया हूँ, इसको जो है यहाँ पर कस दिया हूँ मैंने। बाकी मैंने कैसे बनाया हूँ मैं इस वीडियो में आप लोग को फुल जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर दोस्तों आपके पास ओप्पो A37 का सेट आता है उसमें चार्जिंग का जो प्लस पॉइंट है वो नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप लोग जम्पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, माइनस का जो जम्पर होता है दोस्तों आप लोग कहीं से भी लगा सकते हो, कहीं से भी माइनस आप लोग चेक करके जम्पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। मगर दोस्तों जो चार्जिंग का प्लस पॉइंट होता है वो जम्पर लगाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अगर मालूम नहीं रहता है कि कहाँ से हमको जम्पर लेना है दिक्कत हो जाता है। तो मैं कोई से भी मोबाइल अगर आपके पास आता है दोस्तों तो वहाँ पे जो चार्जिंग का जो बोर्ड होता है जो जहाँ पे जैक लगा रहता है उसके आस पास में एक कॉइल लगी रहती है दोस्तों, और एक मतलब कैपेसिटर लगा रहता है। तो जो कैपेसिटर रहता है दोस्तों एक तरफ माइनस रहता है एक तरफ प्लस रहता है, तो कैपेसिटर जो रहता है थोड़ा हल्का बड़ा रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये अंदर ढक गया है, मतलब पेस्ट लगा है उसके ऊपर से, मतलब कंपनी तरफ से। बाकी यहाँ पर मैंने इसको खुर्च के यहाँ पर लगा दिया हूँ एक तरफ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जूम कर दिया हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो चार्ज जो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है। आपके पास अगर आपके ओप्पो A37 मोबाइल होगा तो वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होगा, उसको आप लोग को थोड़ा बहुत खुर्च लेना है ऊपर से क्योंकि पेस्ट लगा रहता है। बाकी इस तरफ आप लोग को चार्जिंग का प्लस पॉइंट लगा देना है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता दोस्तों तो आप लोग को मीटर को एक पॉइंट ग्राउंड के रखना है, उसके बाद एक तरफ यहाँ पर एक तरफ छुआना है। अगर बीप की आवाज़ देती है दोस्तों तो वो ग्राउंड है, जिस तरफ बीप की आवाज़ नहीं देता कंट्रोल ट्री बताता है उस तरफ प्लस का जो चार्जिंग का प्लस पॉइंट है वो है। तो आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने चार्जिंग का जो प्लस पॉइंट है यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया हूँ जम्पर। बाकी आप लोग आगे भी लगा सकते हो, अगर आप लोग को यहाँ पर जम्पर लगाने का ऑप्शन नहीं मिला दोस्तों तो आप लोग आगे भी लगा सकते हो। मैंने बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर बना के डाल दिया हूँ ओप्पो A37 बारे में चार्जिंग की प्रॉब्लम में, मैंने बहुत सारा वीडियो बना के डाल दिया हूँ चार्जिंग यूरो जो भी बताता है, मतलब बैटरी कनेक्टर नोट कनेक्टर बैटरी सब कुछ बता, मतलब सारा वीडियो मैं ओप्पो A37 के बारे में बहुत ही मतलब जानकारी इस चैनल पर बना के डाल दिया हूँ, आप लोग जाकर वहाँ पर देख के सही कर सकते हो। बाकी बात है जम्पर लगाने दोस्तों, तो आप लोग जम्पर यहाँ पर लगा सकते हो। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं इस वीडियो में। और आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये मोबाइल चार्ज हो रही है, ऐसे नहीं मैंने फेक वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने निकाल दे रहा हूँ उसके बाद फिर भी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चार्ज हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं इस वीडियो में।